प्रभु भर देता है। वक्त की यार पे तीर है छोड़ता, अरे लग गया जब निशाना तो मुस्कुराता है। होश आने पर आंसू बहाता फिर भी संसार उसका मुस्काता है। होश आने पर आंसू बहाता फिर भी संसार उसका ही गुड़ गाता है। ऐ बाबू हमरे बिरहा में मास्टर एक लाइन गजल की लाइन बा, कौन गीत है? विरहा का मतलब यही होता है बाबू कि विरहा कोई भी विरहा हो कहानी साफ साफ नजर आनी चाहिए। अगर जिनको भी अगर कहानी समझ में आ गई विरहा समझना सफल हो गए। यही से हमारे विरहा का कहानी यहां से शुरुआत हुई। कैसे मास्टर मैडम की लाइन में ¡Gracias!
नारद भगवान और नारद भगवान के पिता यानी ब्रह्मा भगवान जी में बातचीत होत हो, बैठकी भई हो, बातचीत होता, बातें बात में नारद जी कहन की बाबूजी, ब्रह्मा जी कहन की बेटा माया से अगर दूर रहोगे, कोई दूर नहीं रहा है ना रहेगा, सबको इसी माया के नगरी में रहना है, सभी को किसी ना किसी चीज का माया है। इतना बतिया जब नारद भगवान को उनका पिताजी यानी ब्रह्मा जी जब सुनले हुए कलन नारद जी कलन की ना पिताजी आप गलत कह रहे हैं, सब लोग माया में रहो थे लेकिन नारद मोह माया में ना ही रहता। नारद जब ना पूरा एकदम मृत्यु लोग मोह माया से पूरा पैतरा परिक्रमा करीला, हम मोह माया से एकदम दूर रहीला, शादी ना विवाह भइल कौन चीज पर माया उनके जब इतना भवन में बोल ले हुआ नारद जी ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी अपने मना में सोचत है कि अरे बाप रे ऊपर तो हमरे लड़कवा के घमंड बहुत बड़ा हो गई, सब कोई माया में बाई कहता कि हम माया में है यही नहीं खेल लड़के कैसे इतना बात कही के नारद जी चल रहे कहा मृत्यु लोग पे चल हुए हैं। नारायण नारायण नाम जपत पहुंचल हुआ मृत्यु लोग पर, आई इधर ब्रह्मा जी कैलन का कि माया के तुरंत बोलने हुए जब माया प्रकट भई कलन की अरे हमारे लड़का के बहुत भयंकर घमंड हो गई हो, तब माया उनके पीछे वही जगह से लग गई। जब माया पीछे लगल हो तब माया आखिर में कर कर का कैलाश का विवाह में अपना गीत लगी मास्टर हुए।
बड़ा तालाब सुंदर बा, सुंदर तालाब में पानी भरल भरल एकदम। जब तालाब में पानी देखले हुए तब उनकर मन एकदम लहरियाई, आ जब लहरियाई हुआ तो कैलन का कहना है सोचत हुए कि बड़ी ही पानी भरवा, अब चली माँ हम थोड़ा नहाए गए, हम मन उनका एकदम लहरियाई गए, सोचे लगन कि अब यही तलावाई में हम नहाए गए। नहाए बदे बाबू कैलन का कि अपन वस्त्र जवन कपड़ा रहल निकाल एक तरफ रखलन, आ जो उनका सारंगी हो जवन कहवा नारायण नारायण कह है एक तरफ रख देलन, रख के नाम भगवान कैलन का कि द्राक्ष होई तलबोय में कूद देलन। आ जब कूदा हुआ तब भाई का मास्टर भी आगे टेरी लगल, अरे पानी में द्राक्ष कूदा हुआ जहाँ एक रुकिया मारे के, जहाँ दो रुकिया मारे के बाबू, वहाँ चार पांच गोता मरले हुए। जब चार पांच गोता मार के मन का इच्छा पूरा भरी, तब जब सोचलन कि अब पानी से बहरे निकले, तो जब बहरवा निकलन तो भई का विराह में हमरे एक लाइन गीत लगल मास्टर, इधर भदोही में भी मनाई कह रहे हम लोग, मनाई दे जात रात कौन की तो कहना है,
जब हम नहाई रहली आ जब घरे जो नदी तालाब में से जब बाहर निकलल हुए देखा मन की पूरा शरीर ये एकदम बाहर निकलल हुए पूरा शरीर ये उनकर जवान मर्द से पूरा मेहरारू को हो गए मर्द रहन लेकिन मेहरारू हो गए जब मेहरारू भयल मन बाबू तो शरीर जब देखा तो मनवा में सोचे लगे रे बाप रे बाप ई त हम मरद रहनी मेरा रो कैसे हो गई ई कुल हमार सिस्टम है कैसे बदल गए बैठ के वही तालाब के जोन बगल किनारे बैठ के मन में सोचा थोड़ा और पछतात हो कि भइल त भइल कैसे कैसे मार चल गिरा भाव लगल जवन चीज ना घूमले होबो कहां ये नाव पर बैठाई ले जाए के पूरा घुमाई दे अरे हम खाटी मछुआरा है आखिर में नाव भगवान बाबू उसके प्रेम के जाल में फंस गए अजय प्रेम के जाल में फंसल हुआ प्रेम भाई आखिर में जब घुमाओ के लेके चलत हो तो भाई का बिरह में यहाँ हमारे मास्टर पापड़ लगल Oh!
समय जवन ना करे के तवन लोग कैलन, जवन ना हो के तवन हो गए, यानी भइल का सृष्टि के रचना वही मछुआरा का नारद के पेट में गर्भ रहे, यानी बच्चा पेट में वही मछुआरा को पले लग। आ जब पले लगल तो ए भैया आखिर में गर्भ पेट में जब रह गई तो वो माया रहो बाबू, वो माया रहो धर्म से उड़ गई, पता नहीं चलल कहा ऊपर आई है। इधर नारद भगवान बीच जंगल में सुनसान जंगल में अकेले ही बचल हुए। धीरे धीरे जब दिन बीते लगल नारद भगवान का शरीर ये पियराए लगल, पियराए लगल धीरे धीरे पेटवा जब बाबू बाहर निकले लगल, यानी शरीर ये पूरा भारी हो गई। अच्छा भारी हो लगल धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो आखिर में भय रहता मास्टर बिरह में हमारे आधा लगल। लेकिन नारद जी के बताओ गई बीच जंगल में हुआ के लिए जब बच्चा भाई तो बाबू नारद भगवान के बताओ कि एक दूना बाकी 27 कन्या पैदा भेली, 27 लड़की पैदा भेली। जब पैदा 27 को भयल है जब 27 लड़की पैदा भैली नारद भगवान जवर बाबू
बड़ा मन में सोचे लगल माया सोचल कि ना अब एक घमंड तोड़ दी हली रोए लगल नारद भगवान जब रोए लगल तो ले जाए के कलन माया कलश मछुआ के भेष में मरद के भेष में कलश की चला हमारे साथ है कलश नारद भगवान का थोड़ किया वो कहाँ लेके जा रहा हूँ हाँ डाक्टर जब मैं दे रही हूँ आप हमके कहाँ लेके तू जाता हुआ एक मेरी गली तो ही कुल करनी हो गई अब दोबारा हमके कहाँ लेके जाता हुआ कलन की तू चला था हमारे सथवा कहाँ लेके गल मछुआ कि जहाँ दू तनाव बनल हो कलन की जा भाई दूसरा तनाव में खुद जा जाए कि नाम भगवान मेहरारू के भेष में है ये हुआ उजा के मेहरारू कूदल व दूसरा तालाब में जब कूदल मेहरारू जब गोता मार के जब बहरी निकलल हुए तब पूरा शरीर ये जवन हो गई नारद भगवान जब मर्द का जब भरी बा शरीर जाके जब मेहरारू से जब मर्द भयल हुए तब कैलन का कि सीधे वहां से भागल भागल हम 27 लड़की उनके नहीं लोग थे के लोग कि उनका बाबू ब्रह्मा जी तीन ठिमोलिया ले रहे हो वो नहीं सीधे वहां से पर पर भाग भाग कहां गए हैं अपने ब्रह्मा बाबू जी के चरण में जाए के दराब से गिर के कलन की अरे बाबू हो बाबू अरे हमारे बाबू हो अरे बाबू जवन अहान होए के तवन हो गई जवन हमारे साथे ना होए के तवन हो गई का भइल विराह में हमें लास्ट लाइन खड़ी में कहना है यानी बाबू जवन हम जन्म जन्म से बनाए रहे कुल हमारे लूट गए कलन की अरे बेटा अब घमंड नहीं है तोरे अब माया से न बचबा तोहके कहली ना तोहके कहली कि जे भी ये धरती पर हो सबके न सबके जरूर माया में रहे के बा कोई भी माया से बचा नहीं है बचेगा ये स्वयं माया की नगरी है तो नारद एक बात कलन आऊ का कलन बाबू अरे माया से न पाई कोई दुनिया में पार हो ये बाबू हमारे तो नहीं ना वो माया तो हम कितना करवाई दी है लेकिन ये काम आऊ कर कि हमार सरंगी गुदड़ी लेके कूल भाग गई हमार सरंगियों गुदड़िया लेके भाग गई बाबू जल्दी से हमार दीवाई दा बाबू हम यहाँ से चलिए अरे माया से न पाई कई दुनिया में पार हो माया से दिलवा दो बाबू हमारे सितारे माया उनकर सितार संगी जवन भी उनकर सर समान लेके भाग रहल कुल माया लेके आई अब उनके हाथ में जवन ब्रह्मा जी दे दिए जब उनके हाथ में पूरा उनकर सर समान मिल वहां से पहलन का अरे भाई के सितार
यहाँ तो अपने बाबूजी जी रोवत हुए गिड़गिड़ात हुए जवन उस 27 लड़किन के बीच जंगल में छोड़ के आए हुए बाबू वो लड़किया कौन के ध्यान नहीं हो तो बाबू जी यहाँ तो बात छोड़ा हो जंगलवा में पहुंचा हो जवन 27 लड़कियन के छोड़ले हुए बाबू का घुरहार जंगल है उसी जंगल में वो बचिया बाबू जो लड़किया रोत रोत बताया गया कि राजा एक राजा जिनका नाम राजा दक्ष बताया गया राजा दक्ष उसी जंगल में बाबू शिकार करने के लिए आए थे अपने साथियों के साथ जब आए धीरे धीरे जो उन्हें समय जो ही आगे बढ़ल हुआ बाबू लड़की का आवाज छोट छोट बच्चन का आवाज जब काने में राजा तज के सुनाई दिहले बाबू मन में सोचने लगे जो है बाबू सिपाहियों से बोले कि एक ऐसा बच्चों को आवाज आ रहा है इतना बड़ा जंगल है इस जंगल में कैसे बच्चों का आवाज आएगा पता लगाने के लिए भेजे हैं तो देखे लोग कि वहां पर एक दो नहीं बल्कि 27 बच्चियां रो रही है राजा दक्ष आए हैं आकर के बाबू और 27 कन्याओं को लड़कियों को उठाए हाथ में उठा करके कहां ले गए अपने महल के अंदर जब ले गए तो इधर बाबू नारद भगवान अपन सितार सरंगी लेके सीधे वहां से भागल हुए आखिर में बाबू बता देते ही कि वही वो लड़कियां थी जो हम लोग के बीच में आज भी रहती है जो पानी के रूप में 27 नक्षत्र बन करके पानी के रूप में बरसती है आज वही लड़कियां बाबू नारद भगवान की बताई गई जो घमंड किए थे उसी घमंड का एक फल है आज वही बाबू जो पानी बरसता है वही जंगल में 27 लड़की रोले रहनी वही से आज बाबू पानी के रूप में पूरा 27 नक्षत्र बन के घूमे सगरी लुटले माया बन बहुरिया जन्म कर गठरी वही पानी के रूप में बरसती है आज के तौर पे बाबू जे घमंड करी भगवान लोग का जब घमंड टूट गयल देर ना लगो हो हम इस आम आदमी इंसान के अंदर क्या है टूटेगा जो भी घमंड करेगा उसका टूटेगा बाबू इसलिए हम कहते हैं कि अगर इस धरती पर हो तो किसी भी चीज पर घमंड मत करो जो आपका है वो आपका ही रहेगा कोई छीन नहीं सकता है यह कहानी थी लास्ट लाइन में खानदान का परिचय मास्टर।